इटावा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। किसानों के पिकअप की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 6 किसानों की मौत हुई है, 1 घायल हो गया। घायल किसान को सेफई रेफर किया गया है। कटहल बेचने के लिए ये मंडी जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त जो इनकी पिकअप गाड़ी थी वो ट्रक से टकरा गई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। तो बड़ी खबर इटावा से है, जहाँ पर पिकअप और ट्रक की टक्कर में 6 किसानों की मौत हो गई, 1 किसान घायल हुआ है। घायल किसान को सैफई रेफर कर दिया गया है। तो ये घटनास्थल की तस्वीरें भी हैं, आपके सामने दिखा रहे हैं। और देखिए पिकअप की हालत क्या हुई है, और इसे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कटहल बेचने के लिए लोग जा रहे थे। सबसे पहले तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क हादसों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वो ट्रक है जिसके साथ पिकअप की टक्कर हुई, और जो अगला हिस्सा जहाँ अधिकतर जो किसान है वो बैठ कर जाते हैं वो एकदम से चिपक गया है। ऐसे में 6 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 जो गंभीर रूप से घायल किसान है उसे सैफई रेफर किया गया है। तो घटनास्थल से जो गाड़ियां हैं उनको हटाने की कोशिश चल रही है। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई, क्रेन को बुलवाया गया, लेकिन ये दर्दनाक हादसा हुआ सुबह सुबह इटावा में, जहाँ पर 6 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। कटहल बेचने के लिए ये मंडी के लिए निकले थे, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। तो इटावा में बड़ा सा हादसा हुआ है, 1 घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि हादसे में 6 किसानों की मौत हो गई, 1 घायल हुआ जिसे सैफई रेफर किया। कटहल बेचने के लिए मंडी के लिए ये लोग निकले थे, लेकिन रास्ते में ये बड़ा हादसा हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से है, जहां पर ट्रक और पिकअप वाहन की टक्कर हुई, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई, 1 किसान घायल है गंभीर रूप से, जिसे हायर सेंटर में रेफर किया गया है। इटावा में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। किसानों के पिकअप की ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 6 किसानों की मौत हुई है, 1 घायल हो गया। घायल किसान को सैफई रेफर किया गया है। कटहल बेचने के लिए ये मंडी जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त जो इनकी पिकअप गाड़ी थी वो ट्रक से टकरा गई और ये दर्दनाक हादसा हो गया। तो बड़ी खबर इटावा से है, जहाँ पर पिकअप और ट्रक की टक्कर में 6 किसानों की मौत हो गई, 1 किसान घायल हुआ है। घायल किसान को सैफई रेफर कर दिया गया है। तो ये घटनास्थल की तस्वीरें भी हैं, आपके सामने दिखा रहे हैं। और देखिए पिकअप की हालत क्या हुई है, और इसे आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। कटहल बेचने के लिए लोग जा रहे थे। सबसे पहले तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क हादसों का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। यही वो ट्रक है जिसके साथ पिकअप की टक्कर हुई, और जो अगला हिस्सा जहाँ अधिकतर जो किसान है वो बैठ कर जाते हैं वो एकदम से चिपक गया है। ऐसे में 6 किसानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 1 जो गंभीर रूप से घायल किसान है उसे सैफई रेफर किया गया है। तो घटनास्थल से जो गाड़ियां हैं उनको हटाने की कोशिश चल रही है। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंच गई, क्रेन को बुलवाया गया, लेकिन ये दर्दनाक हादसा हुआ सुबह सुबह इटावा में, जहाँ पर 6 किसानों की दर्दनाक मौत हो गई। कटहल बेचने के लिए ये मंडी के लिए निकले थे, लेकिन उससे पहले ही यह हादसा हो गया। तो इटावा में बड़ा सा हादसा हुआ है, 1 घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जबकि हादसे में 6 किसानों की मौत हो गई, 1 घायल हुआ जिसे सैफई रेफर किया। कटहल बेचने के लिए मंडी के लिए ये लोग निकले थे, लेकिन रास्ते में ये बड़ा हादसा हो गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर इटावा से है, जहां पर ट्रक और पिकअप वाहन की टक्कर हुई, जिसमें 6 किसानों की मौत हो गई, 1 किसान घायल है गंभीर रूप से, जिसे हायर सेंटर में रेफर किया गया है।